एक बार विनाश करने निकल पड़ा तो बिना ब्रेक का बुलडोजर हूँ मैं, विध्वंस कर दूंगा। Here we go. भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी, और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी, और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म
भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की
वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं
और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाजा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स
ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं
और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है
जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफी ज्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दे कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफी ज्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण का नाम ही काफी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालकृष्ण और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है।
और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालकृष्णा, और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है।
क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में
एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी, और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है, और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालकृष्णा, और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल,
जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है जो सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा, बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा, और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं, और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी, और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी, और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी ने,
जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुडी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे।
तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुडी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर
सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुडी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों, इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों, इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं
और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाजा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स
ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं
और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है
जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालकृष्ण और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है।
और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। अखंड एक साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2021 दिसंबर 2 को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ने जबरदस्त फिल्म अखंड में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है अखंड। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की तेलुगु वर्सन से लेकर बाकी और भी कई वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज और जमकर तारीफ की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं
उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है, और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार बालकृष्ण को पसंद भी करते हैं। और बात करें उनकी 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड की, तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन जबरदस्त किया था, क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था, और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की यह ज़बरदस्त फिल्म अखंड को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म अखंड में सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म का ट्रेलर तो देखा ही होगा, और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं, और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स के साथ साथ काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिल रहे थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर की तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन सीन्स के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांटिक और ड्रामा सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मजे ले पाओगे फिल्म अखंड से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है, और वहीं फिल्म अखंड के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण के अपोजिट में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल भी देखने को मिलेंगी, और जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल स्टारर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म अखंड 2021 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी, और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म अखंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल स्टारर फिल्म अखंड को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर बोयापति सिरिनु ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं, और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर बोयापति सिरिनु ने फिल्म अखंड के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्ण और एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल के साथ साथ और भी कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है, और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमूरी बालकृष्ण, और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं
साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्ण की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी। और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी, और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुड्डी ने
जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुडी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालाकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे।
तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर
सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुडी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं
और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाजा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वही दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी जबरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है जो अखंड को भी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार नंदमूरी बालकृष्णा की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के एक एक सीन्स में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं और दोस्तों इस फिल्म की फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी और जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स
ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म भगवंत केसरी के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी के अंदर सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी आप सभी को नजर आएंगी और जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म भगवंत केसरी को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर अनिल रविपुटी ने सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर अनिल रविपुटी की डायरेक्शन में बनी अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी हिट ही नहीं होगा बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। भगवंत केसरी एक साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपर स्टार नंदमुरी बालाकृष्णा और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी काफ़ी ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है और जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंड ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था और वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म भगवंत केसरी ने भी मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की अपकमिंग फिल्म भगवंत केसरी एक एक्शन से भरपूर फिल्म होने वाली है